आ जा भाई। हाँ हाँ राजी खुशी से, राजी खुशी से प्रियंका पत्नी स्वर्गीय सुशील वर्मा अपने साथ अपने भाई के समस्या ये है कि मेरे बेटे की डेथ हुई, उसके बाद 10 तारीख को हम अपने बच्चे को फूल डालने गए, 12 तारीख को हमने कन्या भोज किया, कन्या भोज के बाद 13 तारीख को उन्होंने अपने माँ बाप को फोन करके बुला लिया और माँ बाप शाम को 7-8 बजे के करीब 3 पुलिस वाले लेके आए कि हमारा जेवर वो दे दो। मैंने कहा आपका जेवर तो आपकी बच्ची पे है, तो बोले अपना भी आप सामान दे दीजिए। तो मैंने कहा मैंने नहीं दूंगा, तो बोले कि आप टी आई साहब पास। तो मैंने कहा चलो मैं टी आई साहब पास करता हूँ। तो भैया थाना टी आई पर मैं गया तो वहाँ आलू पर्याय साहब मिले, जैसे मिलते वो भी थे, उनके सामने पर्याय साहब ने ये कहा कि अगर तुम इनका सामान नहीं दोगे तो मैं तुम्हें बंद कर दूँगा। 17 तारीख को हमारे यहाँ प्रोग्राम था, जिस बच्चे की मौत हुई है उसी बच्चे की बेटी का वो डस्टॉन मनाया जा रहा था। तो हमको ये डाउट हुआ कि इन्हें तो 15 दिन भी नहीं होने दिए, 7 महीना भी नहीं होने दिया, इतनी जल्दी ये कैसे हो गया। तो हमको शक हुआ कि इन्हें कुछ खिला दिया है हमारे बेटे को 17 तारीख को। तो 17 तारीख की नाइट को बीमार हुआ, 18 को हमने आलोक धाम में एडमिट किया। आलोक धाम में जब ठीक नहीं हुआ तो 19 तारीख को हमने परिवार हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया, 20 तारीख को उसकी डेथ हो गई। तो क्या, लेकिन मैं तो गम में था, मैं मतलब बेटे के उसमें था शोक में, तो मैंने प्रेशर में आकर उनको दे दिया कि ये रात को मेरे को बंद कर देंगे, मेरे बच्चों को बंद कर देंगे, तुमने क्या करना। फरियादी आज यहाँ जनसुनवाई में आए थे, उनका ये कहना था कि थाना अलीगढ़ क्षेत्र अंतर्गत वो रहते हैं और उनकी जो बहू है वो घर से खुद का जेवर जो शादी के समय लेके आई थी और प्लस इन्होंने जो दिया था वो दोनों ही जेवर जबरदस्ती लेकर चली गई है। वो थाने पे भी आरोप लगा रहे हैं कि इनके हस्तक्षेप के बाद इस तरह उनको जेवर देने पड़े। तो इसकी जांच आदेशित की गई है और सामान्यतः पुलिस को ये अधिकार नहीं होते हैं, पर हमारे परिवार परामर्श केंद्र में जब इस तरह की बात आती है तो वहाँ समझौते के बाद यदि कोई बात होती है उसमें कोई वैधानिक अड़चन नहीं रहती, परंतु जबरदस्ती नहीं दिलाया जा सकता। तो इस संबंध में जांच आदेशित की गई है, उसमें जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।